सी तो हई ना जो घर घर हम अपन ज्योतिष फेंक ले बनी कि ना होता तू सुतलो में डायलेक्ट अच्छा बोलत रह। सौम्या पोखरेल, जी हाँ वही सौम्या पोखरेल जो भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बनी हुई थी। चर्चा का विषय बने होने का कारण यह था कि खेसारी लाल यादव ने इन्हें अपनी फिल्म और गाना में लेने का वादा किया था, जो खेसारी लाल यादव ने इसे पूरा कर दिया है। जी हाँ, खेसारी लाल और सौम्या का एक गाना अभी हाल फिलहाल में जिसका शूटिंग हुआ है। इस गाने की बात करें तो ये गाना सैड सॉन्ग रहेगा। आगे खेसारी लाल यादव और सौम्या पोखरेल इस गाने को लेकर के क्या कहते हैं इस वीडियो में देखिए। काम मिल गया, कैसा महसूस कर रही है? मैं तो बहुत खुश हूँ और मेरे लिए सबसे बेस्ट दिन है मेरे लाइफ का। और क्या बोले, जो उन्होंने वादा किया था पूरी लगभग 5 से 6 लाख ऑडियंस के बीच कि हम आपको अपने गाने में काम देंगे, और फाइनली आज वह आपका ड्रीम भी पूरा हो गया, कैसा लग रहा है और क्या मैसेज आएगा उन वैसे लड़कियों को जो इस क्षेत्र में आना चाहती हैं? देखिए, हम लोग एक लड़की हैं तो मतलब हम लोग को कठिनाई बहुत सहना पड़ता है, तो आप लोग उससे घबराइए नहीं, मेहनत करते जाइए, आप एक दिन न एक दिन उस मुकाम तक पहुँच जाइएगा। और लड़की है तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई गलत बोल दिए तो आप गलती होंगे, उस चीज़ को सही करके आप दिखाइए ना। कितना अच्छा लगा उनके साथ शूट करके, क्या कोई परेशानियाँ भी हुई आज? नहीं, परेशानी कुछ नहीं हुआ। खेसारी जी के साथ शूटिंग कर रहे हैं तो क्या परेशानी होगा, जिनके लिए एक झलक देखने के लिए तरस रहे थे उनके साथ शूटिंग कर रहे हैं। क्या कोऑर्डिनेट किया उनको आप, उन्होंने आपके साथ, ताकि आप अच्छे से वो एल्बम को कर सके, गाने को कर सके? देखिए, हम आज तक ऐसे मतलब कोई भी हीरो या बड़े कोई भी उनको नहीं देखे कि मॉडल को चाहे आपके साथ जो काम करे उसको सिखाए कि ये करो वो करो, वो इतने अच्छे हैं कि तुम ऐसे करो बेटा वैसे करो बेटा, इतना प्यार से समझाते हैं ना, नहीं आना जिसको नहीं आता है उसको भी वो भी कर ले। ओके, थैंक यू सो मच। काम मिली है, किस गाने में काम मिली है जरा बताना चाहेंगे? भाई वो गाना भी वैसा ही है, जितनी इमोशन उसके उसके दिल में मेरे लिए है वैसा ही मैं गाना भी कर रहा हूँ। और एक राधा का जो प्यार था कृष्ण के प्रति, वही मैं सौम्या के दिल में मैंने देखी, और बड़ी प्यारी बच्ची है, उसके हस्बैंड भी आए हुए हैं, दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं। दुनिया भले इसको किस भी में लेती है मुझे पता नहीं, लेकिन उस बच्ची का प्यार जो है मेरे लिए बहुत पाक है, एक रामायण और गीता की तरह। वो लड़की मेरे नाम से ठीक है जानी जाती है, बट उतनी हिम्मत किसी के अंदर हो नहीं सकती। एक प्यार करने वाली, एक अपने ऊपर टैटू बना देने की, उस शादीशुदा होने के बावजूद भी वो बच्ची ने इतना बड़ा दिल दिखाया एक अपने प्यार के लिए। वो प्यार करती है मुझसे, और प्यार का परिभाषा ये नहीं है कि हाँ एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, प्यार की परिभाषा हम अपने बहन से भी करते हैं, वो मेरी बहन की तरह है और मुझे मोहब्बत करती है, उस बहन को सलाम। आपके साथ काम करना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, कितना कॉपरेट? देखिए, वो मेरे बहन के साथ साथ वो एक एक्टर है, जब हम पर्दे पे आते हैं, जब हम कैमरा के सामने होते हैं, तो वही रोल अदा करती है जो उसको करना है, और वही रोल अदा मैं करता हूँ जो मुझे करना है। और मेरी कोशिश है, पहली बार वो बच्ची काम कर रही है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए, कि वो जो गाना आएगा तो शायद आपको भी पता चलेगा कि पहली बार काम करें, इतना प्यार उस बच्ची को दे दीजिए कि शायद वो बार बार आप सबके बीच में अपने एक्टिंग के माध्यम से आप सबका मनोरंजन कराता है। वादा किया है, और हो सकता है किसी वादे के बदौलत वो बच्ची अपने जीवन में कुछ कर जाए। शायद खेसारी लाल यादव पहली बार मौका दिया, वो बच्ची अगर आगे सीखे, डांस सीखे, एक्टिंग सीखे, तो शायद बेहतर कर सकती है, तो शायद हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को या इस इंडस्ट्री को या इस दुनिया को एक और अच्छा आर्टिस्ट मिल जाएगा। मेरी कोशिश यही रहती है, और मैं लगातार नए लड़कियों के साथ इसीलिए काम कर रहा हूँ कि कब तक सबको यहाँ दुनिया में नाम कमाने का हक है, और शायद हम एक ही आदमी को प्रमोट करके आगे तो बढ़ा देते हैं, लेकिन उससे नई प्रतिभा नहीं आ पाती है। तो मेरी कोशिश है, जैसे मैं जितने भी लोग हैं नए नए लोगों के साथ काम करके, मैं पुराने कंपनियों के साथ बहुत कम काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ नई जो कंपनी 5 लाख में स्टार्ट हुई है। अखिलेश कश्यप जी के पास कुछ पेमेंट नहीं थे, आज ईश्वर ने बहुत कुछ दे दिया। आदिशक्ति की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, आदिशक्ति का पहला गाना जब मैं गाया था तो मात्र 45,000 उनके पास थे, 45,000 रुपये पवन पांडे ने दिया था उनको,
और आज वो कंपनी कम से कम 15 करोड़ की है, कोई क्षमता नहीं थी। तो हमारे पास वो अगर गट्स है कि हम किसी को बढ़ा सकते हैं, तो कोशिश हर आदमी को करना चाहिए कि अपने लोगों को बढ़ाइए। आपके अपने जब मजबूत होंगे तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आप मजबूत होते हैं।